नमस्कार प्रणाम साथियों। तो हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा। जिला कांगड़ा में आने के बाद जो है कि हमारे छिद्दर महादेव, जो यहाँ पर छिद्दर गंगा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मिनी गंगा भी कहा जाता है। तो मैं उस स्थल पर पहुँच चुका हूँ, तो मैं उस स्थल का दर्शन कराऊँगा। आप लोग कृपया वीडियो को देखते रहिए। और ये ऐसा जगह है जहाँ से भागीरथी ने स्वयं गंगा को प्रकट किया था और पहला पड़ाव उनका यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लोग जो है कि बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि इसकी दूरी बहुत है और ये ऐसे जगह पर स्थित है कि लोगों का आना जाना इस समय कम होता है, मतलब दूर से लोग कम जान पाते हैं इस चीज़ को। तो उस जगह का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है छिद्दर गंगा महादेव देवभूमि के नाम से, इसको थोड़ा दिखाइए तो कैमरा में। गंगा महादेव इसका द्वार है, इसका ये द्वार है और इससे हम नीचे जाएंगे और आपको उस गंगा के दर्शन कर, जहाँ पर स्वयं गंगा विराजमान होती है, और उस जगह का दर्शन कराएंगे और स्वयं भी उसमें हम डुबकी लगाएंगे। और तो आपको हम दिखाते हैं, आइए प्रोग्राम। तो हम जा रहे हैं अभी सीढ़ियों के द्वारा, जो सीढ़ीदार बना हुआ है, ऊपर का ये रेलिंग लगा हुआ है और बारिश में इसका बड़ा सहयोग रहता है और गर्मियों में यहाँ पर मेला लगता है बहुत धूमधाम से। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर बहुत लोगों का जमावड़ा होता है। यहाँ पर भंडारे भी होते हैं, लोग भोजन खाने के लिए आते हैं। यहाँ की जो प्रसादी होती है उसको जो लोग खा लेते हैं वो समझे कि तृप्त हो जाते हैं। इस जगह की बहुत महानता है, जो मैं इस महानता को आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए के बराबर जब यहाँ की सरकार ने यहाँ का जो सांसदीय चुनाव हुआ है, जब वो चुनाव जीतने के बाद जो है अपने दम पर ही उन्होंने रोड रेलिंग का काम किया था, तो यहाँ पर उन्होंने मन्नतें मांग के गए हुए थे। जब उनकी मन्नतें पूरा हो जाती है तो जो रेलिंग का काम उन्होंने स्वयं किया अपने हाथों द्वारा। आइए मैं दिखाता हूँ आगे। तो मैं आपको दर्शन करवा जा रहा हूँ उस गंगा माँ की, जो गंगा माँ धरती पर आने के लिए पहली बार जो अपने चरण कमल जो है उन्हीं पर रखी थी, उस जगह मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बता देना चाहता हूँ कि जो बारिश का आपदा आई है, तो अब तक के बीच जो यहाँ पर एक घर बनाया गया था जो यात्रियों को रहने के लिए व्यवस्था था, वो अभी गिर चुका है, साइड में बना हुआ था। तो थोड़ा एक बार दिखाइए कैमरा मैन।